यूपी के हाथरस में जो घटना हुई उससे उमा भारती भी नाराज हैं। उमा भारती ने ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी, उन्होंने क्या लिखा ये आप जानिए। उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, आदरणीय योगी जी, आपको जानकारी होगी मैं एम्स ऋषिकेश में भर्ती हूँ। आज मेरा 7वां दिन है, इसलिए मैं अयोध्या मामले में सीबीआई कोर्ट में नहीं पहुंच पाई। मैं किसी से मिल नहीं सकती, फोन नहीं कर सकती, लेकिन टीवी है जिससे मुझे समाचार मिल रहे हैं। एक अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैंने हाथरस की घटना देखी, पहले तो मुझे लगा कि मैं ना बोलूं, क्योंकि मुझे लगा कि आप इस संबंध में ठीक ही कार्रवाई कर रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने गांव के पीड़ित परिवार की घेराबंदी की है उससे विभिन्न आशंकाएं जन्मती हैं। एक दूसरे ट्वीट में उमा भारती लिखती हैं, एक दलित परिवार की बिटिया थी, बड़ी जल्दबाजी में पुलिस ने उसकी अंत्येष्टि की और एक परिवार एवं गाँव की पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर दी गई है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एसआईटी जांच में परिवार किसी से ना मिल पाए। एक दूसरे ट्वीट में उमा भारती लिखती हैं, हमने राम मंदिर का शिलान्यास किया है, देश में रामराज्य लाने का दावा किया है, किंतु इस घटना पर पुलिस की संदेहपूर्ण कार्रवाई से आपकी यानी यूपी सरकार की और बीजेपी की छवि पर आँच आई है। वहीं वो आगे लिखती हैं, आप एक बहुत ही साफ सुथरी छवि के शासक हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया कर्मियों को एवं अन्य राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए।